हेलो फैमिली, तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। इंट्रो पुराना ही है, पर क्या करूं, अपडेट करने का मन नहीं है क्योंकि यही मुझे अच्छा लगता है। तो आज हम बनाने वाले हैं एक हाउस, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया यार विलेज में रहते रहते। अपना भी कुछ हाउस तो बनाना पड़ेगा ना, तो मैंने सोचा है कि आपने जैसे कि टाइटल पढ़ लिया होगा, अगर टाइटल नहीं पढ़ा तो थंबनेल में जो मैंने लिखा था वो तो पढ़ ही लिया होगा। तो आज हम बनाने वाले हैं एक कसल टोवर हाउस, जो कि पूरा कब्लिस्टोन का होगा बेसिकली। तो ठीक है, चलते हैं अपन अपने हाउस की तरफ। तो आज पूरी ट्यूटोरियल हाउस की होने वाली है। तो ठीक है, चलते हैं घर की तरफ। एंड में थोड़ा सा सामान, मतलब थोड़ा सा क्या, पूरा ही सामान लूँगा घर के लिए अपने। तो कुछ कब्लिस्टोन वगैरह एंड मैं आपको एक बता देता हूँ कि मुझे एक मिला था डिजर्ट टेम्पल, जिसमें मुझे मिले थे 4 डायमंड एंड लॉयल्टी 2 की एक बुक एंड लॉयल्टी 3 की एक बुक एंड आयरन कुछ एक या आर्मर। तो यार ये ना, मतलब लूटिंग 3 का तो एक फंडा आपको पता होगा। अगर मैं लूटिंग 3 किसी भी स्वर्ड में लगाता हूँ, किसी भी या डायमंड की, में मुझे पक्का नहीं पता है, बट हम टेस्ट कर लेंगे। एंड कुछ कब्लिस्टोन एंड ये मैं एंडेसाइट के ब्लॉक रख लिए हैं। एंड कुछ वुडन भी रख लिया जाए, क्योंकि ट्रैप डोर बनाना पड़ेगा, या वुडन में बेस में भी बना सकता हूँ, बेस भी कुछ कह नहीं सकते अभी। हाँ ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि लूटिंग 3 अगर मैं अपनी स्वर्ड में लगा दूँ, मुझे तो अभी डायमंड की ही बोलूँगा, अगर डायमंड की स्वर्ड में मैं लूटिंग 3 लगा दूँ और किसी हॉर्स को डायमंड का आर्मर पहनाऊँ, ठीक है समझ रहे हो, और अगर मैं उसे लूटिंग 3 की स्वॉर्ड से मारूं तो वो मुझे 3 डायमंड ड्रॉप करेगा, 3 मतलब 3 आर्मर, वो भी डायमंड के आर्मर ड्रॉप करेगा, 3 नहीं 2, मतलब डबल कर देगा। जैसे एक तो ऑलरेडी वो पहना होगा एंड जो दूसरा होगा वो भी, मतलब 2 ड्रॉप करेगा। तो मतलब अनलिमिटेड हम इस तरीके से हॉर्स आर्मर ले सकते हैं। तो इट्स जस्ट एन नॉर्मल ट्रिक। एंड मुझे कुछ ये एंड साइड की पॉलिश, एंड साइड की ब्लॉक, एंड साइड की ब्लॉक चाहिए होंगे। एंड आई डोंट थिंक सो कि 36 काफ़ी होंगे, बट इन फ्यूचर बनाना होगा तो मैं बना लूँगा। एंड या दैट्स इट, सो जाता हूँ पर सो नहीं पाऊँगा क्योंकि, और हाँ मुझे एक और चीज़ मिली थी, वो रही है शेडल। तो ये शेडल मिली थी एंड TNT थे कुछ, तो बस इतना ही कुछ था। एंड इसके अलावा तो कुछ है नहीं। एंड या एंड बस यार, कब्लिस्टोन और लगेंगे क्या? वैसे तो नहीं लग रहा। ठीक है, मैं थोड़े से पिकेक्स वगैरह ले लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पर तो ऊपर चढ़ने के लिए तो हमको पिकेक्स की नीड लगेगी ही। ठीक है, एंड आयरन की पिकेक्स भी एक ले ली जाए, अगर माइन करने जाऊँगा, क्योंकि माइन करने मुझे जाना पड़ेगा। एंड चलते हैं, पर चलने से पहले मैं सो जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो ठीक है, सोने के लिए तो बेड, तो वाह एक और, नहीं 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 सॉरी, नहीं नहीं इट्स नई सुबह। ओके सो यप, गुड मॉर्निंग फैमिली। पुराना वाला ही था बट नया स्टाइल में। अरे आप जाइए भैया यहाँ से, ठीक है। XP भी काफ़ी है, 17 XP है। एंड खाना अभी ठीक है, एक बार कम है, पर मैं खाना वेस्ट नहीं करूँगा बाद में। मैंने शिप को मारते हैं एंड वैसी गली, ठीक है मार दिया। एंड थोड़ा XP भी मिल गया। ओके तो ठीक है, वो रहा डिजर्ट टेम्पल सामने, पहले हमारे राइट साइड में था एंड दिस टाइम लेफ्ट साइड में। एंड कितनी पास था यार ये वाला, उस वाले से पास था ये डिजर्ट टेम्पल। एंड इन फ्यूचर अगर अभी हम गए आगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ और भी मिलेगा, बट हम आगे देखेंगे। एंड ये वाला कुछ जगह है, तो ये रही हमारी। एंड पानी आप देख सकते हो कितना सही लग रहा है। एंड थोड़ा सा मुझे लगता है आपको ऊपर से बता देना चाहिए, तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ कब्लिस्टोन। एंड थोड़ी ऊंचाई से बताता हूँ कि कितना सही बेस है ये, तो देख सकते हो इस तरीके से। कुछ ज़्यादा ही OP जगह है, मतलब मैं कितनी बार भी देखूँ इसको, मुझे लगता है कि एकदम OP प्लेस है। तो ये हमारा कासल टॉवर के लिए काफ़ी परफेक्ट प्लेस होने वाली है। एंड यहीं पर हम खेती वगैरह भी करेंगे एंड शुगर केन भी लगाए आसपास ही, अच्छी बात है। तो मैं यूज़ करूँगा नॉर्मली हमारे वुड प्लैंक, ओक वुड प्लैंक, जो भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर रखते हैं। एंड मैं बनाने वाला हूँ 6x6 का बेसिकली एक पूरा। एंड 6x6 के लिए मुझे पता है और वुड लगेगी, तो वो मुझे घर से लेके आना पड़ेगी ऑफ कोर्स। तो ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से लगाते हैं एंड इसी तरीके से आगे और एक्सटेंड करता हूँ। तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपसे बोला है 6x6 का बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा मैं विलेज से ले आता हूँ एंड मिलता हूँ आपको पूरे लगाने के बाद। ओके, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा था सॉरी। तो ये 6x6 का मैंने पूरा कवर कर लिया है, बट देख सकते हो इस तरीके से। एंड ये एंड साइड के ब्लॉक लगाना है हमको पूरी तरीके से स्क्वायर में। तो 5x5 का एक बेस बनाना है इस तरीके से, यहाँ से यहाँ 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 एंड यहाँ। तो पूरा एक इस तरीके से पूरा बेस बना लेंगे एंड साइड का, तो इसी तरीके से। एंड यहाँ से 3 ब्लॉक ऊपर कब्लिस्टोन के लेना, 1 2 3 एंड 1 मोर ब्लॉक इट्स एंड साइड, ठीक है पॉलिश एंड साइड। इसी तरीके से पूरा एक स्क्वायर बना लेना है इसी पैटर्न में, 3 ये एंड 1 एंड साइड। तो ठीक है,
इसी तरीके से पूरा एक स्क्वायर बनाना है, मतलब पूरा एक ब्लॉक बनाना है डब्बा सा, तो इसी तरीके से एक डब्बा बनाते हैं एंड मिलता हूँ बनाने के बाद। तो ये देख सकते हो कि ये काफ़ी कूल लग रहा है, एक नॉर्मल स्क्वायर बनाया मैंने। तो आगे की तरफ से हम रास्ता भी बना देते हैं एक डोर का बेसिकली, कि नहीं तो आना जाना कहाँ से करेंगे यार। तो यहाँ पर बनाते एकदम सेंटर में आगे की तरफ एंड इसी तरीके से, अरे टूट गया भाई, ठीक है। तो ये रहा एंड यहाँ पर मैं एक क्राफ्टिंग टेबल क्राफ्ट करके यहाँ पर रख देता हूँ एक क्राफ्टिंग टेबल, क्योंकि सब तो बनाना पड़ेगा। एंड इसी के साइड में एक बेड लगा दूंगा एंड ठीक है। तो पहले मुझे बनाना है डोर यार, पर पता है मुझे जो डोर बनाना है वो डोर यार मतलब प्रॉब्लम है, बट क्या ही बोलूँ, ठीक है, इट्स लाइक ओके, कोई बात नहीं, सह लेंगे, सहना ही तो है। एंड ये कुछ स्लेब हैं तो पहले मैं स्लेब बना लेता हूँ 6, पर ये मैंने क्यों बनाई कुछ नहीं पता, ठीक है, लोल, इट्स लोल फॉर मी ऑफकोर्स, ठीक है, कोई बात नहीं, अब बना लिए बना लिए। तो यप, एंड मुझे बनाना है डोर, तो डोर बनाने के लिए पहले डोर नहीं पर ये वाले ब्लॉक चाहिए होंगे, ये मुझे माइन करना पड़ेंगे, वो माइन कर लें। पहले हम डोर से पहले यहाँ ऊपर की तरफ मैं थोड़ा सा एक्सटेंड नहीं, बेसिकली क्या टॉवर का बेस बना है वो बताता हूँ। ऊपर चलते हैं यार, इधर से चलता हूँ एक यहाँ, अरे यार ये गलत क्यों लग गया, मतलब यार इतना भी नहीं यार, ठीक है। तो यहाँ इसी तरीके से हमको हर तरफ रखना है, तो हमारे पास ज़्यादा तो है नहीं, तो स्लेब लगा देते हैं यहाँ पर क्योंकि अब स्लेब ही बची है। एंड इस तरीके से यहाँ पर एंड इस तरीके से यहाँ पर, तो देख सकते हैं इधर से थोड़ा सा मुझे नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है, नीचे चलते हैं। एंड ओ नो 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 वे, ठीक है, इसको मैं तोड़ देता हूँ एंड थोड़ा बाहर से आपको बताता हूँ, अभी इतना ही है बट आगे हम देख लेंगे क्योंकि अभी मेरे पास कुछ है नहीं। तो यहाँ से मुझे डोर बनाना है एंड डोर बनाने के लिए डोर कहाँ गया, एंड टाइम पे इनको गुम होना है बेसिकली देखा जाए तो। एंड मेरे अरमान ये वाले बनाने के, यार मुझे क्राफ्टिंग में बनाना पड़ेगा सॉरी, ठीक है, ये वाले बनाना है पर ये जंगल वाली वुड से मिलेगा, तो यही बना लेते हैं अभी मन को शांति देने के लिए। तो तीन बन रहे, तीन ही बनाते हैं एंड यहाँ लगाता हूँ मैं इस तरीके से, काफ़ी कुल लग रहा है। एंड थोड़ा सा मैं आपको बाहर से लुक बता देता हूँ इसका, कि ये बाहर से कैसा लग रहा है। ओके तो ठीक है, ये देखो कुछ इस तरीके का लग रहा है। एंड कुछ और मुझे एंड साइड के ब्लॉक चाहिए होंगे तो वो मैं माइन करके ले आता हूँ और मिलता हूँ आगे। ओके तो मैंने कुछ और ब्लॉक्स माइन किए हैं, मुझे कुछ 64 एंड 37 कोल मिले हैं एंड कुछ कब्लिस्टोन मैंने वहीं पर रख दिया है। एंड ये कुछ ब्रिक्स मिली है 64 एंड 13 एंड 45 आयरन मिले हैं। आयरन मुझे वैसे भी ज़्यादा कोई नीड है नहीं क्योंकि आयरन का वैसे कुछ है नहीं, बट आर्मर तो ऑफकोर्स अच्छा होता है। तो हम बना लेते हैं हमारा वही ब्लॉक जो हमें एक्चुअली बनाना है। तो पहले मैं थोड़ा सा ना मुझे ट्रैप डोर भी बनाना है, बट पहले ये ब्लॉक बनाते हैं, देखते हैं कितने ब्लॉक बनते हैं। वैसे एक क्या एक ही ब्लॉक बन रहा है बेसिकली देखा जाए तो 64 एंड 12 यार थोड़ा कम बना है, बट कोई ना मुझे चलेगा बिल्कुल, कोई बात नहीं है। तो ठीक है, ये रख देते हैं फालतू का स्टफ, मैं मिलता हूँ आपको वही घर पर। तो वही घर पर पहले मैं सो जाता हूँ, पर नाइट नहीं हो रही तो घर पर मिलता हूँ। ओके चलिए, तो ये आ गया हूँ मैं अपने हाउस पर एंड थोड़ा अंदर चलते हैं। एंड मुझे आते में ये मार दिया था किसी ने, तो मैंने आते में मिरर भी बना लिया था वेमली, एंड मिरर के साथ साथ मैंने कुछ टॉर्च भी ले ली थी एंड टॉर्च को मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। एंड मिरर बनाया था, मिरर मैंने अभी बनने के लिए और रख दिया है। एंड एक ये घंटी ली थी, पर घंटी का मतलब कुछ बनता नहीं है, बट ठीक है कोई बात नहीं यार चलेगा। एंड कुछ स्टेयर्स ली थी, तो ठीक है पहले मुझे ऐसा लगता है कि हमें चाहिए रहेगा ट्रैप डोर। ट्रैप डोर मैंने बनाया था नहीं बनाया, ओके कोई बात नहीं, बट एक पिकेक्स ले लिए, पिकेक्स लेके नहीं आया था मैं, या फिर आया था पता नहीं मुझे, आया था लेके। तो ठीक है ऊपर की तरफ करते हैं एंड मैं सोच रहा हूँ थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा पीछे और लगाना पड़ेगा यहाँ से। एंड मुझे ना थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ थ्री टाइप जैसे एक ब्लॉक ये किया है पूरा एक बॉक्स जो ये बनाया है, तो इसी तरीके से मैं सोच रहा हूँ कि एक और या फिर दो, तो थ्री पूरा पार्ट कर देते हैं एक थ्री का। तो मतलब थ्री का यार कैसे बोलूँ, मतलब कुछ भी चल रहा है ये। तो थ्री का मतलब कि एक जैसे ये स्क्वायर बनाया है, ऐसे ही दो स्क्वायर और बना देता हूँ कि जिससे थोड़ा टॉवर लगे ना, इट्स नॉट लाइक टॉवर ऑफकोर्स, ठीक है, तो इतना सा तो नहीं बनाने वाले। एंड ऊपर में एक फायर का वो लगा दूंगा, पहले ऊपर चढ़ के 3x3 ऐसे लगाते हैं। एंड पूरा बनाने के बाद मैं आपको आगे की तरफ मिलता हूँ। ओके तो इसी तरीके से नॉर्मल पैटर्न में लगाना है। ओके चलते हैं, तो ये देखिए मैंने कुछ इतना बड़ा कर लिया है ऊपर से। एंड यार ये दिक्कत हो गया, मैं नीचे कैसे जाऊँ, बट ठीक है पहले ये लगाता हूँ एंड मैं पानी में कूद जाऊँगा, ठीक है। इसी तरीके से ये लगाना है एंड यहाँ पर एंड यहाँ पर इस तरीके से। एंड ये अब एक हमारा कर्सल टॉवर लग रहा है, बट बाहर से देखने पे देख सकते हो इस तरीके से ये कर्सल टॉवर लग रहा है पूरी तरीके से, बट सिर्फ बाहर से क्योंकि अंदर तो कुछ हमने किया नहीं है। तो मैं ट्रैप डोर लगा देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, आपको बताता हूँ। तो ट्रैप डोर भी मैंने बना लिए थे क्योंकि वुडन तो मैं लेके आया ही था,
यार ये तोड़ना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर एंड इसी तरीके से इस साइड पूरे में जितना भी पूरा हमारा टॉवर है इसमें मैं लगाता हूँ पूरी तरीके से, क्योंकि नहीं तो वीडियो ज़्यादा एक्सटेंड होगी, तो आगे मिलते हैं लगाने के बाद। ओके, तो ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से बना लिया एंड मुझे लगाते लगाते नाइट भी हो गई थी। एंड ये ज़ोंबी को पीछे पड़ना ज़्यादा ज़रूरी है आई थिंक सो, बट भैया आप थोड़ा पीछे हटिए तो ठीक है। एंड थोड़ा सा अब अंदर का काम भी करना है, पर पहले मैं ये हटा देता हूँ, ये फालतू की चीज़ें, फालतू की चीज़ें नहीं, अभी फालतू का ब्लॉक मैंने लगाया था। तो देख सकते हो ट्रैप डोर लगाने के बाद काफ़ी कूल लग रहा था, मैंने हर तरफ ट्रैप डोर लगा दिया है। एंड अब ऊपर की तरफ हम रूफ़ बनाते हैं बेसिकली, तो रूफ़ बनाने के लिए स्टेयर्स हमारे पास है तो ऊपर जाना है एंड रूफ़ भी बनाना है। तो स्टेयर्स मैं सोच रहा हूँ इस तरफ लगाते हैं, पीछे की तरफ एक स्टेयर्स, दो तीन, एंड ऊपर की तरफ लगाते हैं ट्रैप डोर। पर पहले यहाँ से एक ब्लॉक ऐसे ब्लॉक रखते हैं एंड एक बेसिकली एक बेस रूफ़ का बेस तैयार कर लेते हैं इस तरीके से। एंड मैं सोच रहा हूँ यही वाली ब्रिक लगाना ठीक रहेगी एंड ये मैंने लगा दिया, बीच में भी लगा देता हूँ एंड ये वाला तोड़ देता हूँ, ये वाला मतलब का नहीं है। एंड ठीक है इतना बाकी ठीक है मेरे ख्याल से तो। एंड ट्रैप डोर लगाना है वो मैं लगा देता हूँ। ओके, तो ये देखिए वैसे वो मैंने पूरा तैयार कर लिया है, एक मुझे बनानी है नॉर्मली फायर, वो जो बोलते हैं ये अपना कैंप फायर, तो ये सबसे ऊपर वाले पे लगानी है मुझे, तो ऊपर चलते हैं। एंड इस तरीके से मैंने ये वाला बेस बना लिया था एंड सेम तरीके से मैंने ऊपर वाला एक और बेस बना लिया है। तो ये हो गया हमारा मेन बेस एंड ये रहा रूफ़। तो यहाँ पर मुझे लगानी है ऊपर की तरफ कैंप फायर, तो अरे यार चढ़ जाना भाई क्या, ठीक है तो यहाँ पर लगाऊंगा मैं कैंप फायर जिससे रोशनी हो एंड ऊपर से धुआं निकले जिससे एक थोड़ा सा लुक अच्छा दिखे। इस तरीके से यहाँ कैंप फायर लगा दिया है एंड नीचे की तरफ चलते हैं एंड धम से गिर गए, ओ माय गॉड। ओके, तो ये वाला ब्लॉक मैं लगा दूंगा यहाँ पे एंड ठीक है। एंड बाकी मैं पूरा सामान रखता हूँ एंड फिर पैसे तो मुझे और भी काम है तो ठीक है नीचे चलते हैं। एंड नीचे चलने के बाद हम मिरर लगा देते हैं, मैं सोचा मिरर जब लेके आया था ये रहा मिरर मेरे पास, तो ये फ्लैट मिरर बनाते हैं, मतलब प्लेन वैसे भी फ्लैट बोलूँगा मैं तो यहाँ पर इस तरीके से लगाते हैं एंड इसी तरीके से पूरे तरफ में स्क्वायर में हम ऊपर की तरफ भी लगाने, पहले यहाँ लगाता हूँ एंड फिर मैं ऊपर लगाता हूँ और आपको मिलता हूँ लगाने के बाद। सो ये लग रहा है कुछ इस तरीके से एंड मैं अपना पूरा सामान यहाँ पर शिफ्ट कर लेता हूँ एंड पूरा सामान शिफ्ट करने के बाद आगे मिलता हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो मैंने अपना पूरा सामान तो शिफ्ट कर लिया है बट ये ज़ोंबी भी पता नहीं कहाँ से आ गया है एंड काफ़ी ज़्यादा, पहले इसको मारना पड़ेगा मुझे एंड फिर मैं आपको बताता हूँ पूरा सामान कैसे शिफ्ट किया है। ओके यार इसने इतने सारे सेंड रख रखे थे, ठीक है। एंड हाँ एक और चीज़ बता दूँ, मैंने सेंड से आगे का पोर्शन फ्लैट कर दिया था एंड यहाँ पर एक क्रीपर आ गया था जिसने मेरी ये चीज़ बिगाड़ दी, बट हम ट्रैप डोर बाद में लगाएंगे, पहले आपको बता देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से पूरा सामान शिफ्ट कर लिया एंड यहाँ पर मैंने इस तरीके से ये रख दिया है एंड एक वुडन का रख के यहाँ पर सारा टूल्स रखे हैं एंड यहाँ पर फर्नेंस है एंड ऊपर की तरफ स्टेयर्स एंड बेड भी लगा दिया, मेरा फेवरेट ग्रीन, मतलब फेवरेट नहीं बोलूँगा बट नॉट बेड। एंड यहाँ पर फालतू का स्टफ रखा रहेगा मेरा, ये जो भी फालतू मतलब एक्स्ट्रा में होगा वो मैं यहाँ पर रखूँगा एंड ये वाला भी सेम है बट खाली है, कोई बात नहीं। एंड एक जो ऊपर वाला था उसमें मैं रखूँगा अपना मेन मेन सामान, मतलब मेन मतलब थोड़ा महंगा सा, ईजिली ना मिलने वाला, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये स्मृति टेबल और ये रख दिया था एंड ये आयरन डायमंड एमरल्ड ये सब इसमें रख दिया एंड यहाँ पर कुछ है TNT वगैरह, ठीक है। तो इतना हो गया अपना एंड यार बाहर की तरफ ना ट्रैप डोर नहीं है तो मैं ट्रैप डोर बना लेता हूँ एंड ट्रैप डोर लगा देते हैं। तो हमारे पास वुड पड़ी हुई है तो वुड ले लेता हूँ मैं यहाँ से, तो नॉर्मल वुड प्लैंक है एंड 49 ये, तो ओके। एंड यार थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि वुड प्लैंक की नीड और लगेगी तो ले लेता हूँ थोड़े और, इतने काफ़ी होंगे आई थिंक सो, 18 काफ़ी हैं, ठीक है। इसमें 6 तो बन ही जाएंगे आई थिंक सो, 6 बन जाएंगे, बन ही जाएंगे 600, ठीक है। ये राइट ट्रैप डोर एंड 6 ट्रैप डोर बन गए, तो ये पहले मैं वुड रख देता हूँ यहाँ पर क्योंकि नीड नहीं है बिल्कुल भी, तो रखा जाओ भैया आप। ओके, तो ये रख दिया है एंड बाहर की तरफ चलते हैं एंड रख देता हूँ मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ट्रैप डोर। तो बेसिकली हमारा हाउस काफ़ी कंप्लीट हो चुका है एंड आई थिंक आपको यह हाउस अच्छा लगा होगा एंड अगर बाद में कभी एक्सटेंड करना होगा तो थोड़ा बहुत मैं ऑफलाइन एक्सटेंड कर लूँगा, क्योंकि बेसिकली तो टॉवर इतना ही ठीक लग रहा है एंड पैटर्न आपको समझ में आ ही गया होगा, बट काफ़ी ज़्यादा कूल व्यू आ रहा है एकदम। एंड यहाँ पर ये थोड़ा ना गड्ढे से थे तो मैंने फिल कर दिए सैंडी सैंड से क्योंकि बहुत गंदा लग रहा था घर के सामने, ठीक है। तो थोड़ा व्यू देखते हैं एंड थोड़ा सा नाइट सा भी हो रहा है, ओ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गड्ढा है। ओके, कोई बड़ा बात नहीं है, इसको भी हमें करेंगे, पर इसके अंदर मुझे लग रहा है कि कुछ है, अंदर जाके देखना पड़ेगा।
क्योंकि वहां से ना कुछ गिर रहा है मतलब। ठीक है, तो नाइट हो रही है, एंड आई होप कि आपको आज की ये ट्यूटोरियल अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो यार लाइक कर दो सबसे पहले तो, एंड प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको यह हाउस कैसा लगा, एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। एंड कुछ ट्रिक भी बता सकते हो इफ़ यू वॉन्ट टू, तो कुछ ट्रिक डेट मीन्स कि मैं क्या करूँ आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो वो आप बता सकते हो। वैसे मेरे ख्याल से हम कुछ अलग करेंगे, बट अगर आप चाहें तो वो आप बता सकते हैं जो आपको करवाना हो मुझसे, ठीक है, इस सीरीज़ में। तो ओके, बाय बाय, एंड लास्ट इज़ लॉल।